हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डी स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की जो आपका न्यूट्रिशन चैप्टर है, उस न्यूट्रिशन चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट मीन्स पौधों में पोषण, और उस पौधों के पोषण में एक बात हम आपको एक टॉपिक लेके आए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से पौधों में चलती है, या इनके द्वारा पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से। तो स्पेशली हम इस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की रिव्यू करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त हरे पादप, जितने भी हरे पादप होते हैं, वो सभी हरे पादप इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में किस प्रकार से रन करती है, किस प्रकार से चलती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें कि हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, ये एक जटिल क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, ये एक प्रकार की जटिल क्रिया होती है, और इस में जो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से पौधे करते हैं, इनकी जो मैकेनिज्म होती है, इनकी जो क्रियाविधि होती है, दो चरणों में कंप्लीट होती है। तो इसमें दो चरण कौन कौन से होते हैं, दो स्टेप। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा हमारी जो स्टेप है अप्रकाशिक अभिक्रिया। कहने का मतलब ये कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, दो चरणों में, दो क्रियाओं में या दो पदों में पूर्ण होती है। उसमें पहला पद हमारा है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा पद है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब इनमें हम सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए होता क्या है, स्पेशली जो हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया होता है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया को हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे आपका? लाइट रिएक्शन। क्लियर? अब ये लाइट रिएक्शन होता क्या है, जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया होती क्या है, इनको हम पहले डिफाइन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि प्रकाश संश्लेषण की सबसे प्रथम क्रिया होती, इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को लाइट की आवश्यकता होती है। अर्थात यह जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होती है, प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं आपका प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को यहां कुछ बातें हम मेंशन करते हैं आपके लिए। प्रकाशिक अभिक्रिया को सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जिसके कारण प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर?
अब देखिए, जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहां पर पूर्ण होती हैं? तो प्रकाशिक अभिक्रिया स्पेशली तौर से प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है हमारे यहां देखेंगे, हरित लवक के ग्रैनम में उपस्थित ज्वारपर्ण हरिम होते हैं। कहने का मतलब यह हरित लवक के ग्रैनम भाग में कंप्लीट होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैनम भाग में संपन्न होती है, क्लियर। जो हमारी ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ये हरित लवक के ग्रैनम भाग में पूर्ण होती है। अब जो हमारा हरित लवक होता है, इसके ग्रैनम भाग, इस ग्रैनम भाग में स्पेशली क्या होते हैं, आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लियर, पाए जाते हैं। अब देखेंगे स्पेशली कि हमारी ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए या प्रकाशिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए इसमें निम्नलिखित पद संपन्न होते हैं, और इस पद को देखने के लिए हम फिगर में स्पेशली यहां ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहली बातें हम इसमें बताएंगे कि जो हमारी हरित लवक जो प्रकाशिक अभिक्रिया में या प्रकाशिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कौन कौन से पद सम्मिलित होने चाहिए या कौन कौन सी क्रियाएं इनके अंदर होती हैं, इनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए फिगर पर, सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रकाशिक अभिक्रिया को समझने के लिए, इस प्रकाशिक अभिक्रिया को यहां पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस हरित लवक के ग्रैनम भाग में उपस्थित जो पर्ण हरित होता है उस पर पड़ता है। अब यहां थोड़ी सी बातें हम डिस्कस करेंगे, ये पर्ण हरित क्या है, हमारा भैया क्लोरोफिल का जो आपका मॉलिक्यूल है, अणु है, जो हरा रंग पौधों में प्रदान करता है, यह हमारा पर्ण हरित होता है। ये पर्ण हरित ग्रैनम भाग में उपस्थित होते हैं, और ग्रैनम भाग कहां होते हैं, आपका हरित लवक में, और यह हरित लवक कहां होता है, हमारा पत्ती में, ठीक ना। जब पत्तियों पर क्या होती है, आपकी लाइट पड़ती है या प्रकाश की जो आपकी प्रकाशित किरणें होती हैं, जब वो पड़ती हैं तो ये क्या होती है, आपका इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो ग्रैनम भाग में उपस्थित हमारे पर्ण हरित होते हैं, इन पर्ण हरित को ये आपका सक्रिय अवस्था में ला देता है। अर्थात ये जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी, इसके अणु क्या होंगे, आपका सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। अब दूसरी बातें, पहली बात तो हमने यहां बताया कि जब सूर्य का प्रकाश इस आपके क्या होता है, हरित लवक के ग्रैनम भाग पर पड़ता है, तो ग्रैनम भाग में उपस्थित हमारे क्लोरोफिल के अणु ये सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। अब सक्रिय अवस्था में आ जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, अब दूसरी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इनके द्वारा आपका जो सक्रिय पर्ण हरित होता है, सक्रिय पर्ण हरित से आपका उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या करती है, आपकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ये जो हमारे जल के अणु होते हैं, इन जल के अणु का विच्छेदन कर देती है। अर्थात उस ऊर्जा से हमारे जल के मॉलिक्यूल अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। जब ये अपने अपने में आयनों में टूटेंगे तो यहां देखेंगे जल का मॉलिक्यूल जो होता है ये H+ आयन और आपका OH- आयन में टूट जाता है। अब ये डिपेंड करता है, यहां पर हम दो मॉलिक्यूल लिए हैं, चार भी ले सकते हैं, छह भी ले सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो यहां पर हमें दो मॉलिक्यूल लिया है आपका ये जल का, और जल का मॉलिक्यूल यहां पर आपका टूटता है, जल का विच्छेदन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, तो ये अपने अपने आयनों में क्या करते हैं, आपका टूट जाते हैं। जब ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं तो यहां पर देखेंगे 2H
2H आयन और आपका 2OH आयन, ये दोनों आपका अलग अलग निकल जाते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं क्या कि जो हमारा ये 2OH आयन होता है, ये पुनः ये जो और आयन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिलकर के जल और हाफ ऑक्सीजन का निर्माण कर जाते हैं। ये हमारा हाफ ऑक्सीजन जो होता है ये पौधों जो हमारा जो हाफ ऑक्सीजन होता है ये आपका स्टोमेटा अर्थात पत्तियों की जो रंध्र होती है स्टोमेटा, उस स्टोमेटा से निकल करके ये वायुमंडल में चली जाती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। जो हमारा ये क्या बचता है आपका 2H आयन होता है, ये 2H आयन स्पेशली इस जो हमारा या क्या होता है आपका NADP होता है, जिसे हम निकोटिनामाइड एडनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। ये हमारा 2H आपका आयन होता है, ये NADP के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं अर्थात ये NADP से रिएक्शन कर जाता है। जब ये NADP से आपका भी रिएक्ट कर जाएगा तो यहां पर NADPH2 का निर्माण होता है। क्लियर, इतनी बातें। अब देखेंगे हमारा ये NADPH2 होता है, यही क्या होते हैं आपका, ये आपका NADPH2 और अप्रकाशी अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से आपका रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद यहां पर कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करता है। अब यहां एक बातें और देखेंगे, जो हमारा ये आपका उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण में चले जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन जो होता है पुनः आपका हरित लवक के ग्रैनम भाग में पहुंचते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन से हमारी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी को, ये ऊर्जा को हमारा एडीपी जो होता है ये आपका एक फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके ये एटीपी बना लेता है अर्थात एडनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये क्या होगा, फास्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है आपका ये एटीपी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर जाता है। अब ये हमारा जो एडीपी होता है, जो एनर्जी होती है, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके ये एटीपी के रूप में परिवर्तित होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित कर लेता है। क्लियर, बात समझ रहे हैं। और जब फिर हमारा एटीपी टूटता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी देता है और ये एनर्जी क्या होते हैं आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया में खर्च होते हैं और साथ साथ आपका ये एडीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा आपका एडीपी से एटीपी आपका बनता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्लियर, तो यहां पर हमारा ये एटीपी जो होता है ये टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, पुनः एडीपी बनता है। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया जो होती है, जो आपका यहां पर देख रहे हैं, ये हरित लवक में पर हरित का एक्साइट होना, वहां से फिर क्या इनकी एनर्जी के द्वारा आपका जल का टूटना। क्लियर, और साथ साथ फिर क्या होता है, जो हमारे जल में आपका OH आयन होते हैं ये पुनः आपका आपस मिलकर के जल और हाफ ऑक्सीजन का निर्माण करना, साथ साथ जो हमारे 2H आयन होते हैं ये पुनः आपका NADP जिसे हम निकोटिनामाइड एडनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये आपका NADPH2 का निर्माण कर जाते हैं। क्लियर, और साथ साथ क्या होते हैं, यहां से जो आपका उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के एक तंत्र में आपका अरेंज हो जाते हैं, एक तंत्र में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। और वहां से आपका क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल करके हरित लवक में चले जाते हैं, कुछ क्या होते हैं आपका ये एडीपी को मिलते हैं, एडीपी जो होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या होते हैं आपका ये एटीपी का निर्माण करता है। अब हमारा एटीपी क्या है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी को संचित कर लेता है। क्लियर, अब जब ये टूटेगा तो फिर हाई अमाउंट में एनर्जी देता है और एनर्जी देने के बाद क्या होता है, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी कुछ मात्रा क्या होता है ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो हमारा अपचयित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिसीव कर लेता है और साथ साथ पौधों में भोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका ये प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं इसको हम यहां पर मेंशन करते हैं, आइए देखते हैं इसमें स्पेशली तौर से। जो हमारा ये प्रकाशिक अभिक्रिया में, जो प्रकाशिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले जो आपकी ये
चरण होते हैं उन चरणों के बारे में हम यहां डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे पहली पॉइंट में कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है क्लियर, तो क्लोरोफिल दैट मीन्स पाणहरित के अणु सक्रिय हो जाते हैं। पाणहरित के अणु सक्रिय हो जाते हैं। क्लियर इतनी बातें? यहां आप देख रहे हैं इस चीज को, यहां पाणहरित के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपका, सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर। अब दूसरी बातें क्या होता है इसमें, हम एक बात बताएंगे, ये पाणहरित ग्रैनम में है, ग्रैनम कहां है, हरित लवक में, और हरित लवक कहां है, पत्ती पर। बात समझ में आ रही है? तो जब आपका सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पाणहरित के अणु क्या होते हैं आपका, सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। दूसरी बातें और क्या होगा इसमें, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। क्लियर इतनी बातें? आगे देखते हैं दूसरी पॉइंट हम क्या बताएंगे। अब यहां देखो, जो हमारा सक्रिय पाणहरित होता है इनमें जो एनर्जी होती, इस एनर्जी को आपके जल के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और जल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं आपका, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। यहां लिखिए आप, सक्रिय पाणहरित से प्राप्त ऊर्जा को या प्राप्त ऊर्जा जल अपघटन में सहायक होती है, अर्थात जल के अणु विघटित होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब हमारे जल के अणु क्या होंगे आपका, यहां पर विघटित हो जाते हैं। यहां पर रिएक्शन देखो कैसे, ये हमारा क्या होता है, 2H2O मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होते हैं आपका, यहां पर हम इरिवर्सिबल का रिएक्शन दिखाते हैं, देख रहे हैं आपका, ये हमारा क्या होता है 2H+ आयन और आपका 2OH- आयन में ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपका टूट जाते हैं। दूसरी बातें क्या होगा, अब इसमें हम तीसरी बात यहां पर मेंशन करते हैं कि जो हमारा ये OH आयन होते हैं अर्थात प्रकाशिक अपघटन के बाद या जल अपघटन के बाद OH आयन आपस में मिलकर जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं, क्लियर। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है और O2 स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में निकल जाता है। क्लियर है। अब इसके मॉलिक्यूल को हम यहां पर दिखाते हैं, स्पेशली देखेंगे आपका ये हमारा क्या होता है 2OH आयन, ये क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं
तो आपका ये जल बनता है और आपका हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में आपका निकल जाते हैं। क्लियर। यहां पर हमें तीन बातों को चर्चा किया। एक बात ये कि जहां पर ये प्रकाश की अभिक्रिया, प्रकाश पड़ता है, अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया होती जब इस पर पड़ती है तो मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रहरित के सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी बात है, सक्रिय प्रहरित से प्राप्त ऊर्जा होता है उसमें आपका जल अपघटन होता है, अर्थात जल के मॉलिक्यूल टूटते हैं। और जल के मॉलिक्यूल टूट रहे, यहाँ पर हमने रिएक्शन में दिखाया है, स्पेशली यहाँ चार भी ले सकते हैं, छह भी ले सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो हमारा जल का है ये टूट रहा है। टूटने के बाद क्या होते हैं, आपका 2H आयन और आपका 2OH आयन में टूट जा रहे हैं, ठीक ना। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो पुनः ये बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स बुल रिएक्शन दिखा रखा है। क्लियर। तीसरी बात है, अब क्या होता है, जो हमारा ये टूटा हुआ मॉलिक्यूल्स है, कौन सा, यही वाला OH आयन, यही क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है, आपका बनाएंगे आपका ये जल और हाफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। यही ऑक्सीजन क्या होता है, यही ऑक्सीजन वायुमंडल स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में निकल जाता है। और हमने ये रिएक्शन को यहां पर दिखाया। इतनी बातें क्लियर है, तीन बातों को हमने यहां पर जिक्र किया प्रकाशिक अभिक्रिया में। आगे देखते हैं, इसमें अगली बातें पर हम चर्चा करते हैं इसमें स्पेशली तौर से। तो जो हमारा ये बचता है कौन से मॉलिक्यूल, यहां पर जो हमारा ये बचेगा जल अपघटन के बाद, जो हमारा जल अपघटन के बाद ये मॉलिक्यूल्स है कौन सा आपका, ये 2H आयन। ये 2H आयन जो होता है NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात NADP इसे ग्रहण करेगा तो ये NADPH2 का निर्माण होता है, अर्थात NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर इतनी बातें। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं इसमें, देखिए ये हमारा क्या होता है, जल अपघटन के बाद, जल अपघटन के बाद 2H आयन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा NADP क्या है, यन आपका निकोटिनामाइड एडनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर। यहां हम लिख देते हैं निकोटिनामाइड एडनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर। ये निकोटिनामाइड एडनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, इसके द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, कर लेता है। और क्या बनता है, और NADPH2 का निर्माण होता है। क्लियर इतनी बातें, निर्माण होता है। अब यहां क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, NADP। क्लियर। ये क्या होते हैं आपका 2H प्लस से आपका रिएक्शन करता है, ठीक है। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, स्पेशली NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका इतनी बात है, ये हमारा कौन सा, जो आपका 2H मॉलिक्यूल होता है यहां पर आकर के NADPH2 का संश्लेषण कर जाता है। ये चौथी पॉइंट हमने इसमें डिस्कशन किया स्पेशली। अब इसमें देखते हैं होता क्या है, जो हमारा ये NADP क्या होता है, एक प्रकार का ग्राही होता है। ये ग्राही क्या होते हैं, स्पेशली इसी 2H आयन को रिसीव करने के लिए सक्षम होते हैं। क्लियर ना। अगली बात है, इसमें हम देखेंगे कि जो आपका ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसमें अगली बातें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जब आपके मॉलिक्यूल सक्रिय अवस्था में आते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहां पर हम क्या होता है, अभी आपको डिस्कस करेंगे, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स
या इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार के तंत्र में चले जाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र कहते हैं। क्लियर। अब हमारा ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपनी ऊर्जा, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता है तथा एडीपी एक फास्फेट से जुड़कर एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। और ऊर्जा को संचित कर लेता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगली बात इसमें हम मेंशन करेंगे क्या, कि जो हमारा ये एडीपी जब एटीपी में परिवर्तित होता है एक फास्फेट मॉलिक्यूल को लेकर के, तो यहां पर हाई अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इसी एनर्जी को ये हमारे पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेते हैं। तो यहां पर हम एक बातें मेंशन करते हैं, एडीपी जब एटीपी में परिवर्तित हो जाता है या एडीपी का एटीपी में परिवर्तित होने की क्रिया को फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें। इसमें एक बात और हम मेंशन करना चाहेंगे कि जब हमारा ये एटीपी टूटता है तो हाई अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। यहां लिखे मेंशन करते हैं, जब एटीपी टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्लियर। जो पौधों की जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है इतनी बातें। और देखेंगे इसके साथ साथ ये जो हमारी ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा को क्या करते हैं, आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, और ये फिर आपका एडीपी में परिवर्तित हो जाता है, और एक फास्फेट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपका बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक ना। और क्या होते हैं आपका, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से
ये प्रकाशिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि में। हमने पहले स्टेप को स्टडी किया प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। अब हमारी प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, हमने इसमें एक बार पुनः आपको रिवाइड करते हैं, रिविजन करते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में स्पेशली होता क्या है कि यह अभिक्रियाएं लाइट की उपस्थिति में कंप्लीट होती हैं। और इसको सबसे पहले खोजने वाले साइंटिस्ट थे हिल नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की और बताया कि जो हमारी ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश की आवश्यकता से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की, इसलिए उन्हें हम क्या प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और हिल अभिक्रिया में स्पेशली होता क्या, जो हमारी अभिक्रियाएं प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रियाएं होती हैं, ये आपका जो हमारे पौधे होते हैं उन पौधों में उपस्थित जो हरित लवक होते हैं, उस हरित लवक के ग्रैनम भाग में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर देखो फिगर में स्पेशली आपको दिखाया गया, एक बार फिगर को पुनः समझ लीजिए। फिगर अगर आप समझ जाते हैं तो इसको लिखने में आसानी होगी, कोई समस्या नहीं, आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं, जो सन की जो किरणें होती, जब यह हरित लवक पर पड़ती हैं, हरित लवक कहाँ है, पत्तियों में। जब ये पत्तियों में पड़ती तो उस हरित लवक में उपस्थित ग्रैनम और ग्रैनम में उपस्थित हमारे ये क्लोरोफिल के अणु सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इसको हम पहली पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं। दूसरी बातें क्या होगा, यही जो सक्रिय अणु परहरित होते हैं, इनसे प्राप्त एनर्जी को लेकर के ये हमारा जल का विच्छेदन होता है, जल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टूटते हैं, ये आपका 2H आयन और आपका 2OH आयन में टूट जाते हैं। अब यहां पर मॉलिक्यूल आप 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो यहां पर देखेंगे स्पेशली क्या होता है, जो हमारे H+ आयन होते हैं और ये 2H आयन, ये आपका दोनों टूटेंगे तो इसे बोलेंगे आपका हम जल अपघटन या प्रकाशिक अपघटन कहेंगे या जल विच्छेदन कहेंगे, क्लियर ना। अब क्या होता है, जो हमारे ये OH आयन है ये पुनः आपस में मिलकर के क्या करेंगे, जल का फॉर्मेशन करते हैं और साथ साथ आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं यहां पर, तो ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब बाहर की ओर निकलेंगे कैसे, जो हमारी स्टोमेटा होती है, उस स्टोमेटा में आपका जो स्टोमेटा होता है, जिसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है छिद्रयुक्त, उसी से क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन निकल करके वायुमंडल में चला जाता है। अब आगे देखेंगे, जो हमारा 2H आयन होता है ये आपका NADP के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात NADP एक प्रकार का ग्राही होता है जो इस H आयन को ग्रहण कर लेता है और अपचयित होकर के NADPH2 का फॉर्मेशन कर जाता है। अब यही NADPH2 जो होता है, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनमें आपका ये यूज हो जाते हैं और साथ साथ आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर देखेंगे जो हमारा निकले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक विशेष प्रकार के तंत्र में पहुंच जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतर तंत्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सीधा कहां जाएंगे, आपका परहरित वाले भाग में, और कुछ क्या होते हैं आपका निकलते हैं और जिससे हमारा एडीपी मॉलिक्यूल, ये जिसे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये एडीपी मॉलिक्यूल इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब यही एटीपी जो होगा, यहां जो एडीपी क्या होता है, एटीपी में परिवर्तित तो होता है, उसी प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं क्या आपका, हम फोटोफॉस्फोरिलेशन नाम देते हैं। और जब हमारे यही एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी देता है और एनर्जी देने के बाद क्या होते है? इस ऊर्जा को ये आपका खर्च कर लेते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है और उससे फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और यहां पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और एडीपी बनता है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया की हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई, कौन सा, प्रकाशिक अभिक्रिया, क्लियर। अब इसमें हम स्पेशली क्या होता है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसका दूसरा चरण हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है तो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा और साथ साथ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।